आपको बताते हैं छिंदवाड़ा से बड़ी खबर। पूर्व सीएम कमलनाथ के घर पुलिस पहुंची। बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की शिकायत पर पुलिस पहुंची और कमलनाथ के घर पुलिस ने एक घंटे तक पूछताछ की है और एक घंटे तक चार थानों की पुलिस यहां मौजूद रही। कमलनाथ के निजी सचिव हैं आरके मिगलानी, उनसे पूछताछ हुई है। कथित फर्जी वीडियो को लेकर बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने शिकायत की थी, नामजद शिकायत की थी और उसके बाद आज पुलिस ने एक्शन लेते हुए कमलनाथ के घर वो पहुंची और फिर उसके बाद पूछताछ की गई है उनके निजी सचिव से। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आप देखिए पुलिस की एक बड़ी टीम आज कमलनाथ के घर पहुंची, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एक बड़ी टीम यहां पर पहुंची और उसके बाद करीब एक घंटे तक पूछताछ हुई है। और देखिए काफी कुछ सियासी सरगर्मियां इस वक्त मध्य प्रदेश में बड़ी हुई है क्योंकि 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा में भी मतदान होना है। पहले चरण जहां पर मतदान होने हैं उसमें छिंदवाड़ा की भी सीट शामिल है। छिंदवाड़ा में बीते दिनों हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और कल ही यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं, रोड शो करेंगे यहां पर, शक्ति प्रदर्शन अपना वो दिखाएंगे। और उससे पहले यहां पर पुलिस पहुंची हुई है कमलनाथ के घर पर वीडियो को लेकर के बंटी साहू ने शिकायत की थी, उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। सर आरके मिगलानी के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ? सीआई साहब कुछ कैसा बताएंगे? प्रोसीजर पुलिस की है, जो भी आरोप है आरोप लगते हैं क्या, किस मामले आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है? क्या मामला है? मामला क्या है? मामला जो है अभी मीडिया में नहीं बताया जा सकता क्योंकि प्रभावित सर क्या मामला है? तो आपने सुना पुलिस की प्रतिक्रिया, पुलिस कुछ भी नहीं कह रही है ना ठीक तरीके से बता पा रही है, लेकिन कमलनाथ के निज सचिव आरके मिगलानी से करीब एक घंटे तक पूछताछ हुई है। और इस वक्त पूरे मध्य प्रदेश में जब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, राजनीति का केंद्र बना हुआ है, वो छिंदवाड़ा है क्योंकि बेहद हाई प्रोफाइल सीट और एकमात्र ऐसी सीट जो बीजेपी के पास नहीं है। ऐसे में बीजेपी की पूरी नजरें टिकी हुई है छिंदवाड़ा पर, कांग्रेस की भी नजरें टिकी हुई है छिंदवाड़ा पर, जो कि कांग्रेस का कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में जिसका गढ़ माना जाता है उसी के घर में अगर पुलिस पहुंचे पूछताछ की जाए तो जाहिर सी बात है सियासी सरगर्मियां, सियासी हलचल काफी बड़ी हुई है। और ये पूरा मामला है आपको बता दें, जो लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से विवेक बंटी साहू, उनके तरफ से नामजद शिकायत की गई थी कथित वीडियो वायरल करने को लेकर के। और अब आप देखिए पुलिस पूर्व सीएम कमलनाथ के घर पर पहुंची हुई है, एक घंटे तक पूछताछ हुई और उसके बाद देखने वाली बात होगी किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती है। और एक और मामला जो कल ही सामने आया था कि कल आबकारी विभाग की टीम पहुंची थी कांग्रेस एमएलए के घर, नीलेश उइके के घर पहुंची थी, वहां पर भी करीब 3 से 4 घंटे तक उनके खेत और घर में छापेमार कार्रवाई की गई क्योंकि सूचना मिली थी कि अवैध शराब उनके घर में रखी गई, हालांकि खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। उसको लेकर के जीतू पटवारी हो या फिर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हो, वो बीजेपी को घेर ही रहे हैं, सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और अब आप देखिए दूसरी तस्वीर आ चुकी है छिंदवाड़ा से ही, और कमलनाथ के घर पुलिस पहुंची और उसके बाद उनके जो सचिव है आरके मिगलानी, उनसे करीब एक घंटे तक पूछताछ हुई है। ये पूछताछ इसलिए हुई है क्योंकि उनके खिलाफ नामजद शिकायत लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने की थी। तो सियासत का केंद्र मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा बना हुआ है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे। छिंदवाड़ा की जितनी भी सीट थी विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस ने जीत वहां पर दर्ज की थी, हालांकि कुछ विधायक बाद में जरूर बीजेपी में शामिल हुए छिंदवाड़ा के, फिर वो भले ही कमलेश राव या फिर दूसरे इस तरह के बड़े दिग्गज नेता हो, एक के बाद एक वो कांग्रेस का साथ छोड़कर के बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। दीपक सक्सेना के बारे में हमने सुना जो परछाई माने जाते हैं कमलनाथ के। और उसके बाद अब एक ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की शिकायत के बाद आज कमलनाथ के घर पुलिस पहुंची, वहां पर उन्होंने पूछताछ की है कमलनाथ के निजी सचिव आरके मिगलानी से। और सीधे रुख कर लेते हैं अब भोपाल का, इस वक्त हमारे सहयोगी नवीन सिंह लाइव जुड़े हुए। नवीन, बेहद बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर क्योंकि सियासत के केंद्र में छिंदवाड़ा लगातार बना हुआ है और अब ऐसे में पूर्व सीएम कमलनाथ के घर पुलिस पहुंचती है, उनके निजी सचिव से पूछताछ की जाती है। क्या लगता है अब सियासत किस ओर जा रही है? क्या ये पूर्व सीएम कमलनाथ पर या जिस तरह के आरोप लगाते हैं ये कांग्रेस की एक दबाव वाली
राजनीति है, क्योंकि कल ही यहाँ पर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने भी वाले हैं। देखिए आकांक्षा, बिल्कुल देश भर की अगर टॉप 10 हॉट सीट्स की अगर बात करेंगे, अलावा उन टॉप 10 सीट्स में से छिंदवाड़ा का भी जिक्र होगा, क्योंकि कमलनाथ का ये गढ़ है और लगातार 44 वर्षों से कमलनाथ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और अब उनके बेटे यानी नकुलनाथ मौजूदा सांसद हैं और इस बार उनको पार्टी ने टिकट भी दिया है। जाहिर तौर पर बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी तरीके से कमलनाथ को कमजोर किया जाए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावे भी यही हो रहे हैं कि आज जो पुलिस की रेड हुई है उनके घर पे, तो ये कमजोर करने की कोशिश है कमलनाथ को और कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की छिंदवाड़ा में कोशिश हो रही है। कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अमित शाह इस छिंदवाड़ा में दौरे पर आ चुके हैं और आने वाले हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कई सारे दौरे हो चुके हैं, कांग्रेस के तमाम लोगों को तोड़ा जा चुका है और बीजेपी में शामिल करवाया जा चुका है, तो ये सारी जो कोशिशें हो रही हैं वो कमलनाथ को कमज़ोर करने की कोशिशें हो रही हैं और नकुलनाथ को हराने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज जिस तरीके से 4 थानों की पुलिस कमलनाथ के शिकारपुर वाले निवास पर पहुंची, तो ये बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश की सियासत में आज का रहा और अभी तक रहा। अब जैसे ही ये खबर भोपाल पहुंची है तो चर्चाएं शुरू हो चुकी कि आखिर माजरा क्या है, आखिर बात क्या है कि कमलनाथ के घर 4 थानों की पुलिस पहुंची है और पुलिस ने बयान भी लिए हैं, लेकिन पुलिस मीडिया से बातचीत करने से कतरा रही है। मीडिया से किसी भी तरीके से बातचीत पुलिस विभाग की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन एक जो शिकायत हुई है वो शिकायत का मजमून ये है कि विवेक साहू, जो कि बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के छिंदवाड़ा से, उन्होंने एक इसमें इस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि विपक्षी दल के लोग उनके खिलाफ एक कूटरचित वीडियो को प्रसारित करने की कोशिश में, प्रसारित करने की तैयारी में है और इवन प्रसारित कुछ लोगों को कर भी दिया है, जो उनके चुनावी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। चूंकि 2-3 दिन बाद वोटिंग होनी, 19 तारीख को वोट पड़ने हैं और अमित शाह कल छिंदवाड़ा में आने वाले हैं, तो ऐसी आशंका जाहिर की है कि अमित शाह के दौरे के दौरान इस वीडियो को वायरल किया जाता, जिससे बंटी साहू की छवि धूमिल होती और उसका सीधा असर 19 तारीख वाली वोटिंग पर पड़ता, जो कि उनके खिलाफ जाता। लिहाजा बंटी साहू की शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लिया है, पुलिस उनके घर गई है, बातचीत की है। हालांकि पुलिस ने अंदर किस तरीके से सर्चिंग की है, किन किन लोगों से बातचीत की है, किन किन लोगों के बयान लिए हैं, लेकिन जो खबर मिल रही है आकांक्षा कि उनके कमलनाथ के जो सबसे विश्वास पात्र हैं, जो सबसे खास हैं, जो सबसे नज़दीक रहने वाले हैं, OSD उनके RK मिगलानी, उनसे पुलिस ने पूछताछ की है, उनसे बातचीत की है। हालांकि पुलिस ने अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि क्या बात हुई और किन किन लोगों से बातचीत हुई, लेकिन जो एक शिकायत, एक चिट्ठी जो वायरल हो रही है, जो एक कंप्लेंट पुलिस थाने में जो की गई है, वो उसमें साफ तौर पर RK मिगलानी का नाम लिखा हुआ है और एक मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, जिनसे उनके संपर्क करने के आरोप लगाए गए हैं कि इस शख्स से उन्होंने संपर्क किया है और वीडियो उनसे हासिल किया और आने वाले चुनाव के लिए बड़ी तैयारी में कांग्रेस पार्टी के लोग थे। हालांकि शिकायत हो गई है, पुलिस की रेड हो गई है, पुलिस ने वहां पर सर्चिंग की है, बयान लिए हैं, पुलिस ने क्या वो वीडियो रिकवर किए हैं या वाकई उनके पास वीडियो थे या हैं या नहीं, तो ये सारी चीज़ें पुलिस ने अभी तक इसको डिस्क्लोज नहीं किया है और बहुत मुमकिन है कि आज शाम तक काफ़ी सारी चीज़ों का खुलासा हो जाए। चूँकि आचार संहिता लगी हुई है, पुलिस के सामने भी बड़ा प्रेशर है, चुनाव आयोग के सामने भी बड़ा प्रेशर है कि ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने हैं। दोनों ही दलों की शिकायतें तमाम तरीके की हैं, लेकिन आकांक्षा ये तो तय है बहुत ही हाई प्रोफाइल चुनाव मध्य प्रदेश की इस सीट का हो चुका है। छिंदवाड़ा जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिल्कुल नवीन, देखिए जैसे कि लगातार हम बता रहे थे कि हाई प्रोफाइल सीट तो है छिंदवाड़ा और वहां पर जो भी होगा वो पूरे भारत पर नजर उसकी टिकी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ, इस वक्त छिंदवाड़ा से ही हमारे सहयोगी अजय द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। अजय, बहुत बड़ी हलचल इस वक्त छिंदवाड़ा में, अभी वहां पर क्या कुछ हो रहा है कमलनाथ के बंगले पर, किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं? मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि लगभग 1-1.5 घंटे पुलिस ने जो है वो कमलनाथ के बंगले पहुंची और उनके नित सचिव से बातचीत की, पूछताछ की, ऐसा सूत्र बताते हैं। ये पूरा घटनाक्रम जो घटा है वो लगभग 12 बजे से 1 बजे के बीच का बताया जा रहा है और 4 पुलिस थाना क्षेत्र की पुलिस थी और यहाँ पहुंची थी। विवेक बंटी साहू की शिकायत पर यह पूरा मामला जांच करने पुलिस दल का आया हुआ था। अभी पूरी तरह से शांति है और पुलिस यहाँ से वापस जा चुकी है और कमलनाथ और नकुलनाथ जो है दोनों
प्रचार में बाहर हैं। जी जी अच्छा, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आर के मिगलानी से पूछताछ हुई है क्या, सूत्रों के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन कि किस तरह की पूछताछ की गई, क्योंकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वीडियो वायरल करने की तैयारी थी, तो क्या वीडियो अंडर टेकन में लिया गया है, कुछ इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाई है क्या? जिस तरह की शिकायत विवेक बंटी साहू ने पुलिस को की उस पर उन्होंने यही लिखा है, कहा है कि आर के मिगलानी और एक पत्रकार हैं, वो मिलकर किसी तरह का कोई वीडियो वायरल करने की बातचीत कर रहे हैं। उसकी शिकायत उनने की है पुलिस को, उस पुलिस ने उस शिकायत को आधार बनाकर जांच करने कमलनाथ के बंगले पहुंची थी, और इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि आर के मिगलानी से पुलिस की बातचीत हुई है। ठीक है, जो है आप नजर बना के रखिएगा, अब सबकी नजरें टिकी हुई कि आखिर मिगलानी से क्या कुछ बातचीत हुई है, और अब आगे इस पूरे मामले में क्या होता है, और कांग्रेस की प्रतिक्रिया का भी सबको इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। जो हमारे साथ नवीन सिंह भी जुड़े थे भोपाल से, नवीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।